Find the equation of the normal to the curve x square is equal to 4y which passes through the point 1 comma 2. So let's see how we will solve this problem. तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. देखिए आपको एक पैराबोला गिवन है और पैराबोला की बात करें तो उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई. दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन फॉर द पैराबोला विच इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2. So let's see how we will solve this problem. तो देखिए आपको एक parabola given है x square is equal to 4y. और he was saying कि मैंने एक normal इस parabola पे plot किया है जो कि 1, 2 point से pass कर रहा है और आपको normal का equation निकालना है. तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे इस problem को solve करेंगे. देखिए normal का अगर आपको equation required है तो मुझे एक तो नॉर्मल का स्लोप रिक्वायर्ड होगा और पॉइंट तो क्वेश्चन में दे रखा है 1, 2. तो आप इजीली नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं. तो हमारा जो बेसिक टारगेट है वो ये है कि ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल आपको नजर आ रहा है, मुझे इसके स्लोप को पता करना है. और एक बार अगर स्लोप पता लग जाएगा तो हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करके नॉर्मल की इक्वेशन को क्लेम कर सकते हैं. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये फॉर्मेट आपको याद होगा कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन, वेयर m इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन एंड x1 y1 इज द पॉइंट जहां से ये नॉर्मल पास करेगा. तो हमारे पास जो टारगेट है वो ये है कि हमें m की वैल्यू पता करनी है, मतलब इस नॉर्मल का स्लोप कितना है. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि पैराबोला जो इक्वेशन आपको पैराबोला की दे रखी है, द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 times ऑफ वाई. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटर रहेगा कि आप थोड़ा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वगैरह यूज करें. और अगर मैं इस पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखूं तो ये बनता है एक्स बराबर 2t एंड वाई बराबर वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर के. आप चाहें तो एक बार क्रॉस चेक करके देख लें कि ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है या नहीं. अगर आप एक्स की जगह 2t डालते हैं तो लेफ्ट हैंड डाटा आपका 4t स्क्वायर बनता है और राइट में वाई की जगह आप टी डालिए तो टी स्क्वायर डालिए तो इट इज ऑल्सो 4t स्क्वायर. तो दिस इज एक्चुअली द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर द गिविन पैराबोला. अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि लेट दिस पॉइंट इज योर 2t कॉमा टी स्क्वायर और मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है. तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए पहला टारगेट है कि नॉर्मल का स्लोप चाहिए. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dy के. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आप एओडी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये चीज आपको पता होगा कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है माइनस dx ओवर dy के. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि x आपके पास है 2 times ऑफ t के. तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो dx ओवर dt की वैल्यू आपको 2 मिल जाती है. सिमिलरली y आपके पास है t स्क्वायर के तो dy ओवर dt यहां से मिल जाता है 2 times ऑफ t के. वैसे आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते थे लेकिन बाद में फिर आपको x की जगह 2t और y की जगह t पर रिप्लेस करना पड़ता. मैंने पहले ही t को रिप्लेस करके फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया है. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये बनेगा माइनस के dx ओवर dt. dx ओवर dy को आप लिख सकते हैं dx ओवर dt डिवाइडेड बाई dy ओवर dt के. तो ये बनता है माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ t के. 2 से 2 कैंसल हो गया एंड द रिजल्ट इज माइनस 1 अपॉन t एंड दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. तो देखिए नॉर्मल का स्लोप मेरे पास आ चुका है, पॉइंट मेरे पास है जहां पे आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं. सो द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल इज y माइनस t स्क्वायर, ये पॉइंट है जहां पे आप नॉर्मल निकालने जा रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t इंटू x माइनस 2 टाइम्स ऑफ t के. तो चलिए थोड़ा सा इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. और जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये इक्वेशन बनेगी टी वाई माइनस टी रेस टू दी पावर 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 times ऑफ टी के. या फिर आप इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस के टी वाई इज इक्वल टू 2t प्लस टी रेस टू दी पावर 3. अब देखिए इस नॉर्मल के अंदर कंडीशन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो नॉर्मल है ये पास करता है विद द पॉइंट 1, 2. ये जो नॉर्मल है 1, 2 से पास करता है. तो अगर ये नॉर्मल 1, 2 से पास कर रहा है तो 1, 2 इसको फॉलो करना चाहिए.
तो जैसे मैंने x की जगह 1 और y की जगह 2 सबमिट किया, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में हमारे पास बनेगा, आप देख सकते हैं दिस इज 1 प्लस 2t इज इक्वल टू 2t प्लस t रेस टू द पावर 3। 2t से 2t आपका कैंसिल हो गया और यहां से t की वैल्यू निकल के आती है 1। बाकी की दो वैल्यूज भी आएंगी क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन अदर रूट्स आर एक्चुअली इमेजिनरी। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 को जब आप सॉल्व करते हैं तो रूट्स आते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, लेकिन क्योंकि आपको रियल सॉल्यूशन चाहिए तो टी की वैल्यू केवल आपको 1 ही कंसीडर करनी है। और जैसे आप ये टी की वैल्यू को इस इक्वेशन में सबमिट करेंगे, जो नॉर्मल की इक्वेशन अभी आपने निकाली है, ये फॉर्मेट बनता है एक्स प्लस टी की जगह 1 डाल देते हैं इस इक्वेशन में, टी की जगह मैं 1 सबमिट कर रहा हूं, दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 1, या फिर आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो फाइनली दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल टू द गिवन पैराबोला विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2।